सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ये यही प्रॉब्लम है, अपलाइन मेरे नीचे आदमी नहीं डाल रहा है, अपलाइन मेरे नीचे बंदा नहीं डाल रहा है। कितने लोगों का प्रॉब्लम है भाई, हाथ खड़े करो। हाँ है ना, ये बर्बाद होने वाला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, समझ आ रही मेरी बात। और ये जब तक माइंड में है ये ऐसा कीड़ा है जो दीमक की तरह खा जाता है और पता भी नहीं चलता, पेड़ गिरती है तब पता चलता है दीमक लगा है, समझो मेरी बात। क्योंकि दोस्त आज अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर टीम में इस तरीके की बातें हो रही है तो क्यों हो रही है। अपलाइन किसी को लेट चलाने के लिए डायरेक्ट सैनी की दुनिया में नहीं आया है, गलत सिखलाई दिया गया लोगों को। यह धंधा खुद का है, यह धंधा खुद को आगे चलाने का है। आज तक हमने अपलाइन से कोई आदमी नहीं मांगा, लेट नहीं चलाया। वाई? क्योंकि मुझे पता था इंडस्ट्रीज में कि ऐसा बोला जाता है कि दूसरे के कंधे पर जनाजे निकलती है, दुनिया हमेशा अपने कदमों पर जीती जाती है। ध्यान देना मेरी बात, हमने कभी भी होप नहीं रखा, हमने कभी भी आशा नहीं रखा। हाँ, जो अपलाइन का रोल है अपलाइन ऑटोमेटिक करेगा, लेकिन अगर कोई आशा रखता है कि अपलाइन मेरा लेख चलाएगा, अपलाइन के बारे में तो गलत, मैक्सिमम लोग है टीम में मैं गया तो एक आदमी धीरे से आया निकल गए, कुछ बोला अपलाइन के बारे में, तो मैं बात कर सुना, हमें सोचा हो सकता है कुछ, साला दूसरा खड़ा हो गया, फिर तीसरा, फिर पूरे भीड़ ही खड़ा हो गई। अपलाइन से प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपलाइन ही है, तो डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन ही हटा दो भाई, तुम ही अपलाइन रहो, सबका अकेले काम करो, अकेले काम करो, डेली प्रोडक्ट बेचो, डेली पैसा कमाओ। ध्यान दो मेरी बात, इंडस्ट्रीज में कामयाब होना है तो इंडस्ट्रीज के रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा दिक्कत क्यों आता है, ऐसी दिक्कतें क्यों आती है, लोग क्यों नहीं सेल निकाल पाते, लोग क्यों नेगेटिव बातें करते हैं। ध्यान देना मेरी बात, इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। आज तक जो भी हम लोगों ने काम किया वो ओनली फॉर मोटिवेशन के ऊपर बिजनेस किया, समझे मेरी बात, टेम्पोररी सॉल्यूशन के ऊपर बात किया, झूठ के साथ बिजनेस किया। ध्यान देना मेरी बात, किसी को भी जोड़ने के बाद यह बताया, लाने के बाद मैं तुझे करके दूंगा। और दुनिया में आज से 2 साल पहले अगर आपने किसी को कमिटमेंट दे दिया, इंसान में इतनी बड़ी पावर है कि अकेले 2 लेग नहीं 10 लेग चला लेगा सर। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है, आप मुझे एक चीज बताओ, जनरेशन कॉन्सेप्ट होता है, इसमें 5-5, 6-6 लेग होते हैं, क्या उसमें अपलाइन किसी का लेग चलाता है क्या? आप बोलोगे कि एक लेग नाजिक जी चला दो, एक लेग केवल जी चला दो, एक लेग मदन लाल साहब चला देंगे, एक लेग शिव कुमार चला देगा, एक महिपाल सर चला देंगे, ऐसा होगा क्या? आज तक जनरेशन में के बारे में नहीं बोला कि मेरा लेग चलाओ, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट में लोग ज्यादा बोलते हैं, जो दुनिया का सबसे इजी कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग में पैसे कमाने का, अपने आप को कामयाब बनाने का और अपने टीम को कामयाब बनाने का। लोग 6-6 लेग 7-7 लेग के प्लान चला लेते हैं, राइट या रॉन्ग? व्हाई, क्यों? पहला चीज है कि मेरी अपलाइनों से भी एक गुजारिश है कि फॉल्स कमिटमेंट ना करें लोगों से, राइट। दूसरी चीज कि अगर कमिटमेंट हो भी गई 2 साल पहले 3 साल पहले, तो लोगों से क्लियर बता दे कि भाई 3 साल पहले माहौल कुछ और था। देखो लोग पास्ट में जीते हैं, 3 साल पहले हो सकता है स्थिति परिस्थिति कुछ और है, ऐसा हो सकता है ना भाई। 3 साल पहले अपलाइन भी अकेला होगा, 2-4-5 लोग होंगे, उससे होप होगा चलो चल जाए, लेकिन 3 साल पहले टीम की स्थिति, हर दिन बिजनेस चेंज होता है, राइट। जब मैं 6 साल पहले जून में मेरा 6 साल होगा, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था उस समय का शिव कुमार और आज के शिव कुमार में मुझे लगता है आसमान और जमीन का फर्क है, मेरी राइट है रॉन्ग है? मैं किसी को घास पर ही बैठ के प्लान दिया होगा, मैं किसी के घर में भी जाके प्लान दिया होगा। अब कोई आदमी वो पास्ट लेके आज चले कि सर आपने ज्वाइन किया और आप मेरा प्लान फॉलोअप करो, आप मुझे एक सिटी में जाके 20 लोगों का मीटिंग करो, दिस इज क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है? मेरी बात समझो। तो ऐसे ही लोग पास्ट में जीते हैं, ये मेरे साथ नहीं है, डायमंड के साथ। आज डायमंड बेचारा 3 साल पहले कुछ और स्थिति होगा, आज कुछ और स्थिति होगी,
समझो मेरी बात को। तो यार दोनों को इसमें अंडरस्टैंडिंग समझने की जरूरत है। अगर ऐसा हुआ है तो टीम को क्लियर और स्पष्ट बता दे कि ये 2019 नहीं है, 2022 है, और 2022 में आपका रोल क्या है, मैं आपको क्या सपोर्ट कर सकता हूं, आपको क्या करना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो क्लियर अपने अप्लाइंस उसको काउंसलिंग करवाए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। नहीं मान रहा तो छोड़ दे उसे, झूठी कमिटमेंट ना दे, फॉल्स कमिटमेंट ना दे, राइट। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है, ध्यान देना मेरी बात। बंदा ग्राउंड में जाता है, प्लान करता है, दो प्लान करता है, चार प्लान करता है, पांच प्लान करता है, सेल नहीं निकलता है, राइट। मेरी बात समझ रहे हो, क्या होता है, सेल नहीं निकलता है, ट्रेनिंग लेना नहीं आता है, जान किसका खाएगा, अपलाइन का खाएगा, वेन्यू करना नहीं आता है, जान किसका खाएगा, अपलाइन का खाएगा। किसी भी सिटी में जाता है दोस्त, और किसी भी सिटी में जाने के बाद उसको भीड़ कन्वर्ट ही नहीं करना आता है, हर बार किसको टाइम मांगेगा, अपलाइन का टाइम मांगेगा। ध्यान देना मेरी बात, इन सब बातों का रीजन क्या है जो टीम रोती है, इसका सोल्यूशन सेल निकाल के देना नहीं है। आप दो सेल दे दो, चार सेल दे दो, पांच सेल दे दो, दस सेल दे दो, बीस सेल दे दो, 500 सेल दे दो, 5000 सेल दे दो, प्रॉब्लम सेट आउट नहीं होगा। मेरी बातों को ध्यान देना, मेरी बात समझ रहे हो ना, ये सब कुछ क्या है, टेंपरेरी है, मेरी बात समझ रहे हो। क्योंकि जब डाउन लाइन ने काम ही नहीं सीखा, जब उसको अपना रोल ही नहीं पता है, तो रोना तो रोएगा।